एकता कपूर के नागिन 6 का इंतजार फैंस पलके बिछाए कर रहे हैं। एकता ने खुद इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि नागिन 6 का आगाज 30 जनवरी 2022 को होगा, जिसके बाद फैंस इसके पहले लुक, प्रोमो और टीजर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल नागिन की रिलीज डेट के अलावा कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन अब अगले 30 दिन एकता के नागिन 6 के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। जी हाँ, अगले 30 दिनों में ही ये बात साफ होगी कि एकता अपने तय समय पर नागिन 6 को लेकर आने वाली है या फिर नहीं। वेल, पिछले कुछ दिनों से फैंस में नागिन 6 को लेकर इस बात की थ्योरी भी खूब देखी जा रही है कि 30 जनवरी को शायद नागिन 6 का पहला एपिसोड ना आ पाए। लेकिन अब अगले 10 दिन नागिन के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इन 10 दिनों के अंदर तमाम टीवी शो की शूटिंग को लेकर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, शूटिंग को लेकर परमिशन टलती है और ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता है और लोगों के बीच में इसे लेकर डर का माहौल और ज्यादा गहराता है, तो जाहिर तौर पर नागिन का शूट भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगले 10 दिनों में अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऐसा वक्त होगा जब एकता ये डिसाइड कर पाने में सक्षम होंगी कि नागिन 6 को लेकर उन्हें आगे क्या करना चाहिए। एकता के अलावा काफी सारे प्रोड्यूसर्स और टीवी मेकर्स नए शो को लेकर अब डर भी रहे हैं कि उन्हें ओमिक्रॉन पर सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस के मद्देनजर शो को लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं। कई मेकर्स अपने शो की ऑन एयर डेट आगे भी खिसका रहे हैं। इसलिए एकता के लिए ये 10 दिन बेहद खास माने जा रहे हैं क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर आने वाले हालातों की छवि साफ होती नजर आ सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी वेव के वक्त जब तमाम शूटिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तब बायो बबल के इस्तेमाल से कई मेकर्स ने अपने शो की शूटिंग को जारी रखा था। आपको याद ही होगा जब नागिन 5 टेलीकास्ट हो रहा था तो शो के आखिरी दिनों में एकता ने भी बायो बबल का इस्तेमाल करते हुए शूटिंग को जारी रखा था। हालांकि बायो बबल में शूटिंग करना बेहद मुश्किल और खतरनाक होता है। ऐसे में खबरें ये भी सामने आई हैं कि अगर शूटिंग पर दोबारा पाबंदी लगाई जाती है तो मेकर्स एक बार फिर से बायो बबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये भी है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें इन्फेक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा। इसमें लोगों को वैसे हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत नहीं देखी जा रही जैसे कि कोविड की दूसरी वेव के दौरान देखा गया था। ऐसे में अगर सब चीजें ठीक रही और एकता के फेवर में रही और लोगों के लिए भी माहौल जोखिम भरा नहीं रहा, तो जाहिर तौर पर एकता ने जिस तरह से नागिन 6 को 30 जनवरी को लाने की जो बात कही थी वो उस पर खरा उतरने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगी और शायद आपको 30 जनवरी को पहला एपिसोड भी देखने को मिल जाए। लेकिन इन सब बातों को लेकर जो भी क्लियरेंस है वो अगले 10 दिनों में ही साफ होती नजर आएगी। ये सब डिपेंड करता है अगले 10 दिनों के हालातों पर, जिससे नागिन 6 का भविष्य कैसा होगा ये बात भी साफ हो जाएगी।